लहर आएगी, वो स्पंदन आएंगे और वो चित्र आपको दिखाई देगा। क्रिकेट की मैच देखना हो स्पोर्ट का चैनल, प्रवचन सुनना हो आस्था चैनल, न्यूज देखना हो न्यूज का चैनल, प्राणियों का जीवन देखना हो एनिमल चैनल, इतिहास का कुछ देखना हो हिस्ट्री का चैनल। लेकिन यह सब विचारधारा है, यह सब स्पंदन, ऑल दिस वेव्स, पूरा वातावरण उससे भरा हुआ है। जो रिमोट से चैनल आप प्रेस करोगे वो दृश्य आपके सामने साकार होगा, प्रकट होगा। इसी तरह वातावरण में भले भी विचारों के तरंग है, बुरे भी विचारों के तरंग है, वातावरण में विचारों के पवित्र तरंग भी है अपवित्र तरंग भी है। हमारा मन रिमोट की तरह है, किसे कैच करना है। श्रद्धा के भी तरंग है, अश्रद्धा के भी तरंग है, प्रेम के भी तरंग है, द्वेष की भी तरंग है, अपनेपन के तरंग है, परायपन की भी तरंग है। कौन सा रिमोट रिमोट प्रेस करना है, कौन सा रिमोट दबाना है। इसलिए समर सिंह जी ने कहा, मना पाप संकल्प सोडो निद्यावा, मना सत्य संकल्प जीवी धरावा, मना कल्पना ते नको विषयांची, विकारे घड़े हो जनी सर्वचीची। उद्धरे आत्मन आत्मानम, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा शब्द मन इस अर्थ से उपयोग में लाया है। आत्मैव आत्मानम बंधु, आपका मन ही आपका भाई है, आपका सखा है। आत्मैव रिपु आत्मना, आपका मन ही आपका शत्रु है। जब मैं शराब पीता हूं मेरा मन मेरा शत्रु बन जाता है, जब मैं चाय पीता हूं मेरा मन मेरा मित्र बन जाता है, जब मैं सिगरेट पीता हूं धूम्रपान करता हूं मेरा मन मेरा दुश्मन बन जाता है, जब मैं लस्सी पीता हूं आइसक्रीम खाता हूं मेरा मन मेरा मित्र बन जाता है, जब मैं सुबह जल्दी उठता हूं और व्यायाम करता हूं फिजिकल एक्सरसाइज मेरा मन मेरा मित्र बन जाता है, जब मैं 8-8:30 बजे तक बिस्तर में सोना पसंद करता हूं मेरा मन मेरा शत्रु बन जाता है, मैं जब अनेक लोगों के साथ मैत्री के संबंध प्रस्थापित करता हूं अपनापन अनुभव करता हूं मेरा मन मेरा मित्र बन जाता है, जब मैं अनेक लोगों के साथ संघर्ष करता हूं मन में दुश्मनी रखता हूं और प्रतिशोध लेने की इच्छा मन में रखता हूं मेरा मन मेरा शत्रु बन जाता है। कौन से संकल्प स्वीकार करना है, रिमोट का उपयोग कौन से चैनल के लिए करना है, यह हमारे हाथ में है और 100% हाथ में है। कुंडली में कुछ लिखा नहीं है, ज्योतिष के पास कुछ नहीं है। वो जो शास्त्र में कहते हैं कि छठे दिन वो सटी आती है और उसके हाथ कुछ पर लिखती है, वो सब झूठ है। हाथ की रेखा है, समर्थ रामदास कहते हैं रेखा तिटकी पुसो न जाते, प्रत्यक्ष प्रत्ययासिते, डोले झाकणी करावीते, काय निमित्त है। अपना तकदीर बनाने की ताकत तुम्हारे में, अपने हाथ की रेखाएं बदलने की ताकत तुम्हारे में है, तुम अपने रेखाएं बदल सकते हो। जो मन दुर्बल विचार करता है वो मन अगर सबल विचार करेगा तो, जो मन द्वेष का चिंतन करता है वह मन प्रेम का चिंतन करेगा तो, सब अपने हाथ में है। इसलिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन माइंड पर करना चाहिए। जब हम ध्यान को बैठते हैं तो हम हमारे विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे बड़ी छात्रों की समस्या यह है कि विचारों को नियंत्रित कैसा किया जाए, कैसे विचार को अपने वश में लाए। हम बहुत चाहते हैं लेकिन विचार चालू रहते हैं, और जब विचार चालू रहते हैं तो भले बुरे दोनों प्रकार के विचार मन में आ जाते हैं। इसलिए प्राणायाम का महत्व क्या है,
सांस, विचार कैसे आते हैं और विचार कैसे जाते हैं। अब पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि हम जो सांस भीतर लेते हैं उसके द्वारा वातावरण के विचार हमारे भीतर आते हैं, और हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं उच्छ्वास, तो उसके द्वारा हमारे मन में जो विचारों का संग्रह है उसमें के कुछ विचार हम उच्छ्वास द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। तो श्वास के द्वारा हम विचार भीतर लेते हैं, उच्छ्वास के द्वारा हम हमारे में जो विचारों का स्टॉक है वो बाहर छोड़ते हैं। यह सिद्ध हो गया है, वैज्ञानिक दृष्टया सिद्ध हो गया है। अगर हमने हमारा श्वास और उच्छ्वास जो है उसका दर्जा बदल दिया, तो आज हमारे श्वास को और उच्छ्वास को कुछ भी क्वालिटी नहीं है। हम कैसा सांस ले रहे हैं वो चल रहा है, हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। एक मिनट में कितने श्वास और उच्छ्वास होने चाहिए, संख्या है 1215 तक। मैंने अनेक विद्यार्थियों को मेरे सामने बिठाया और मैंने उनको कहा कि आप सांस लो, उच्छ्वास छोड़ो और गिनो। मैं जब पूछूंगा कि कितने हो गए तो मुझे बताओ, तो कई विद्यार्थी ऐसे मिले जो एक मिनट में 25 बार सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ऐसे कुछ विद्यार्थी मिले एक मिनट में 30 बार श्वास भीतर लेते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हैं। ये टेंशन का लक्षण है। मेरे एक मिनट में ज्यादा से ज्यादा 3 श्वासोच्छ्वास होते हैं, और जब मैं शवासन की अवस्था में सुबह व्यायाम करते समय, योगासन करते समय जब मैं शवासन करता हूं, एक मिनट में केवल 2 सांस और 2 उच्छ्वास होते हैं। डीप ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग, लेंथनिंग द ब्रीदिंग। अगर हमें मन एकाग्र करना है, अगर हमें मन शांत और स्थिर करना है, तो मन का जो वाहक है, कौन वाहक है? सांस। विचारों का वाहक सांस है, मन का वाहक सांस है। अगर श्वास पर हमने कंट्रोल किया तो, हमारी सांस को हमने वश कर लिया तो, जब हम धीरे से सांस लेते हैं और धीरे से सांस बाहर छोड़ते हैं, तो ये धीरे से सांस का एक वैशिष्ट्य है कि धीरे का जो सांस है वो ज्यादा विचारों को कैरी नहीं कर सकता, वो बुरे विचारों को कैरी नहीं कर सकता, वो स्थूल विचारों को कैरी नहीं कर सकता। जैसे स्कूटर है, स्कूटर पर कितने लोग बैठ सकते हैं? उन सिर्फ 2। हम अभी कार में आए, वो कार क्या है? 5 सीटर, केवल 5 आदमी। और बस हो तो 50 आदमी बैठे हुए, 50 खड़े हुए, 50 पूरी गाड़ी पैक हो जाती है। कोई भी बैठता है, कितने भी लोग बैठते हैं, लेकिन जिस तरह स्कूटर की मर्यादा है, कार की मर्यादा है, उतने ही लोग बैठ सकते हैं। उसी तरह अगर हमारा श्वास संत हो गया, हमारा श्वास धीरे से हो गया, हमारी सांस गहरी हो गई, डीप ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग, लेंथनिंग द ब्रीदिंग, लंबी सांस, दीर्घ श्वास, इस दीर्घ श्वसन के द्वारा हम हमारे विचारों को वश में ला सकते हैं। और जैसे ही विचार वश में आ जाते हैं, मन अपने कब्जे में आ जाता है। आप प्रयोग करो, रोज 10 मिनट शांति से बैठने की कोशिश करो। बिल्कुल ताठ बैठना है, पीठ की रीढ़ बिल्कुल सीधी। जब हमारे पीठ की रीढ़ बिल्कुल सीधी रहती है, उस समय हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण का सबसे कम प्रभाव रहता है। हम जब सोते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का हमारे ऊपर इतना प्रभाव रहता है कि हमें नींद आ जाती है। जब हम फ्लैट हो जाते हैं, ज्यादा देर हम फ्लैट अवस्था में नहीं रह सकते, नींद आ जाती है।